यस, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे रूल से। अभी जो सबसे पहला रूल आएगा जो हम लोग इसमें देखते हैं कि कौन सा रूल बाबा हम लोग इसको, ये कौन सा रूल हमें यूज करना है, तो वो रूल है कि ये रूल नंबर वन हम लोग जो देखेंगे, व्हाइल नेमिंग आयुपैक, जो है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, सो इट नीड नॉट बी स्ट्रेट, ये कैसे भी टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, बट इट शुड बी लॉन्गेस्ट। ठीक है, सो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग इसका, जिसमें मैं लिखूंगी अभी मैंने इसलिए ऐसे लिखा है कि तुम लोग को वैलेंसी पूरा करने आना चाहिए। मैंने बोला था कार्बन इज टेट्रावेलेंट, तो वो बोलने का मेरा वही मतलब था कि तुम लोग को मालूम होना चाहिए कि इसकी वैलेंसी कैसे पूरी करेंगे हम लोग। तो अभी इसकी वैलेंसी अगर पूरी करनी है तो ये कार्बन ने सिर्फ एक बॉन्ड बना, ये फर्स्ट वाले कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया है, तो ये तीन इसके पास और ये बॉन्ड बना सकता है, इसने दो बनाए हैं तो ये दो और बना सकता है, इसने दो बनाए तो ये दो और बना सकता है, इसने तीन बॉन्ड बनाए तो सिर्फ ये एक ही बनाएगा, इसने दो तो ये दो, इसने दो तो ये दो, और इसने एक बनाया तो ये तीन बनाएगा। सेम यहाँ पे भी इस तरह से ये स्ट्रक्चर लिखा जाएगा। अभी हमें देखना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन कौन सी है। अभी हम लोग अगर यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ओके। और अगर हम लोग यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो कैसे होगा, यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो ये वाली जो चेन है वो लॉन्गेस्ट चेन हुई। ओके, तो ये लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से ये पूरा का पूरा जो चेन है वो 8 नंबर कार्बन का हुआ। एट द सेम टाइम हम देखेंगे कि ये जो पार्ट है वो हो गया सब्स्टिट्यूएंट, ये पूरे चेन का ये हुआ सब्स्टिट्यूएंट। तो हम लोग इसका नाम ऐसे लिख सकते हैं कि 4-propyl, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट पहले आता है, उसके बाद आएगा वर्ड रूट, वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो यहाँ पे 8 है, 8 कार्बन रहता है तो हम लोग लिखते हैं ऑक्ट, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है इसके लिए N, तो ये हो गया ऑक्टेन। इस तरह से हमने इसका नाम लिखा। अभी हम चलेंगे दूसरे रूल के पास, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में मैं एक स्ट्रक्चर निकालती हूं, मैं जानबूझ के ऐसे ये स्ट्रक्चर ऐसे निकाल रही हूँ कि जिस तरह से तुम्हें वैलेंसी पता चले कि तुम लोग को कार्बन की वैलेंसी कैसे पूरी करनी है। राइट, अभी ये तीन बनाएगा, ये दो बनाएगा, इसने ऑलरेडी तीन बना चुका है तो ये एक ही बनाएगा, इसने तीन बना चुके हैं तो ये भी एक ही बनाएगा, ये तीन बनाएगा, ये तीन बनाएगा, ये दो बनाएगा और ये तीन बनाएगा। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन गया। अभी हमें इसका नंबरिंग करना है, तो अभी इसका नंबरिंग करने के लिए अगर हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 ओके, एंड देन अगर हम लोग को दूसरे इससे नंबरिंग करना है तो मतलब लॉन्गेस्ट चेन हमें ढूंढना है, राइट, तो हम लोग देखेंगे कि ओके अगर हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5
अगर किधर से भी करे तो भी लॉन्गेस्ट चेन 5 नंबर वाली कार्बन की ही आती है। तो इसमें हम डिसाइड कैसे करें कि हमें कौन सी साइड से करना है? हम लोग यहाँ से नंबरिंग करें, कहाँ से नंबरिंग, ऊपर वाली नंबरिंग चेक करें या ये स्ट्रेट चेन वाली नंबरिंग कंसिडर करें? तो इस केस में हमें ये देखना है कि अगर अपने पास, अगर हम लोग ये स्ट्रेट चेन से जाते हैं, ये स्ट्रेट चेन कंसिडर करते हैं, तो हमारे पास कितने सब्स्टिट्यूएंट हो रहे हैं? ये एक और ये दूसरा। सो देर आर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स अगर हम लोग ये स्ट्रेट चेन वाला नंबरिंग कंसिडर करते हैं। तो अगर अगर हम लोग ये वाला, जो ये वाला हम लोग ने जो किया है वो कंसिडर कर रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास बस ये एक बचता है। तो ऐसे केस में जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड होंगे वो नंबरिंग हमें करनी है। तो ये समझ लो, ये जो स्ट्रेट नंबर वाला हम लोग ने जो नंबरिंग किया था, ये वाला, तो जब हम लोग ऐसे लेफ्ट टू राइट सीधा 1 to 5 नंबरिंग करते हैं तो हम लोग को ये 2 वाले सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, विच इज मैक्सिमम। तो हमें ये केस में ये नंबरिंग करना है। तो ये नंबरिंग करने से इसका नाम कैसे आएगा? पहले अपने को लिखना है सब्स्टिट्यूएंट का नाम। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन सी जगह पे है? 3 पोजीशन पे इथाइल है, 4 पोजीशन पे मिथाइल है। तुम्हें मालूम है पहले अल्फाबेटिकल जाना होता है, तो यहाँ पे होगा 3 इथाइल, 4 मिथाइल और ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। फिर वर्ड रूट में आएगा कितना कार्बन है? 5 कार्बन। 5 कार्बन को हम लोग बोलते हैं पेंट, और बिकॉज इट इज सिंगल बॉन्डेड सो इट इज एन। सो 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेन। तो ये हो गया रूल नंबर 2।